OnePlus 7 Pro versus Realme X2, आई नो कोई कंपैरिजन नहीं है, वो कहाँ फ्लैगशिप कहाँ ये बेचारा मिड रेंज फोन, बट मुझे चेक करना था मिड रेंज फोन, सब कह रहे हैं बहुत अच्छा हो गया बहुत अच्छा हो गया। मैंने Redmi Note 8 Pro को भी चेक किया, तो मैं सोचा इसको भी चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि सही में कहाँ तक पहुँचा है हमारा Realme X2, हमारे मिड रेंज फ्लैगशिप कितने पास है। तो अगर आप भी इसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं या आप जस्ट मजे के लिए आए हैं देखना चाहते हैं कि Realme X2 कैसा रहता है OnePlus 7 Pro के अगेंस्ट, तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मेरा नाम है अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन, चलिए कंपेयर करते हैं। ओके, तो जजमेंटल होने की बारी आ चुकी है, डे लाइट फोटो स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं दोनों फोटो साइड बाय साइड और डेफिनेटली मुझे थोड़ा वन प्लस ज़्यादा बेटर लग रहा है। हालांकि जो रियलमी थोड़ा वार्म है बट उसके कलर्स थोड़े वियर्ड हैं और मुझे वन प्लस बेटर लग रहा है। और सेम चीज़ मैं वाइड एंगल में कहता हूँ, बट ये नोट कीजिए कि रियलमी X2 जो है ज़्यादा वाइड है, जूम करेंगे तो ऑब्वियसली रियलमी थोड़ा कम पीछे रह जाएगा क्योंकि OnePlus 7 Pro जो है वो जूम करता है 3 times और Realme 2 times ही करता है। और 10x जूम में आप इसका क्लियर इफेक्ट देख सकते हैं, OnePlus थोड़ा ज़्यादा शार्प है कंपेयर टू Realme। हाँ, ये मैं कहूँगा कि Realme X2 के कलर्स बेटर है। देन इस शॉट में अगेन अगर आप देखेंगे जो ग्रीन्स हैं Realme ने कुछ अलग ही किए हुए हैं जो उनका ट्रेडमार्क है कह सकते हैं, बट ओवरऑल मैं ये कह सकता दोनों काफ़ी कंपेरेबल पिक है, बट मैं डेफिनेटली OnePlus की तरफ जाऊँगा। और अगर हम वाइड एंगल देखेंगे तो वाइड एंगल में अगेन यहाँ पे थोड़ा इमेज जो है Realme की ज़्यादा ब्राइट है, बट OnePlus थोड़ा सा डार्क है, इस केस में मैं Realme के साथ जाना चाहूँगा। जूम करेंगे अगेन आपको वही दिखेगा 3 times जूम किया OnePlus ने क्योंकि ऑब्वियसली वो कर सकता है, और इस केस में डेफिनेटली मैं OnePlus की तरफ जाऊँगा कि आप ज़मीन को देखेंगे और पौधों को देखेंगे, काफ़ी अच्छी तरह उसने मेंटेन किया कलर को, जबकि Realme थोड़ा इधर उधर हो गया है। और ये अल्ट्रा वाइड शॉट यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा OnePlus को, ग्रीन्स ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे हैं। मैं हमेशा मैं ग्रीन्स की तरफ देखूंगा, आप जो मर्जी कह लो, हरियाली हर जगह है, मुझे हरियाली पसंद है। मैंने ट्रीसेना को भी सपोर्ट किया जिसको बाय द वे अगर आप देख रहे हो तो ऊपर वीडियो आ रही होगी, जी कैम का भी आपको पता चल जाएगा, उसमें जी कैम की वीडियो है वो, तो वो देख लो। ट्रीसेना को भी थोड़ा सपोर्ट कर लो अगर आपने नहीं किया अभी तक। एंड जो नेक्स्ट फोटो है यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं वाइड एंगल है और यहाँ पे काफ़ी एक अलग अलग कलर्स दोनों के देखते हैं। मैं अगेन OnePlus की तरफ जाना चाहूँगा थोड़ा बहुत क्योंकि ओवरऑल मुझे ज्यादा बेटर वही लगती है। और ये नॉर्मल दोनों मतलब मेन कैमरा से और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगेन थोड़ा OnePlus कूलर है, थोड़ा मतलब जो X2 है वो थोड़ा येलोइश सा हो जाता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। और अगर हम 3 times और 2 times जूम करेंगे तो कुछ ऐसा देखेगा, और 10 times जूम में डेफिनेटली आपको देख रहा है इस टाइम OnePlus ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास 3 times जूम है तो 10 times में अच्छा ही करेगा। ये अगेन वाइड एंगल शॉट थी, आप देखते हैं Realme X2 डेफिनेटली ज़्यादा वाइड है कंपेयर टू OnePlus, बट अगर हम नॉर्मल शॉट लेंगे तो आपको देखेगा कि OnePlus ने डिटेल ज़्यादा कैप्चर किया, उसका डायनामिक रेंज अच्छा, कलर्स अच्छे हैं। डेफिनेटली X2 ट्राई बहुत अच्छा कर, मैं ये नहीं कह रहा X2 बेकार है, इस कंपैरिजन से अब ये मत लेके जो कि X2 बेकार है, अपने प्राइस के हिसाब से अगर वो इतनी भी टक्कर दे रहा है ना, डेफिनेटली बहुत अच्छा फ़ोन है ये। और अगर हम 3 times और 2 times जूम करेंगे कुछ ऐसा दिखेगा, और फाइनली 10 times जूम में डेफिनेटली अगेन OnePlus की डिटेल थोड़ी ज़्यादा है और X2 थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी में। और ये एक और फोटो था जहाँ पे अगेन मैं देखूंगा कि अगर आप ध्यान से देखो ना, थोड़ा OnePlus ने ज़्यादा ओवरऑल इमेज अच्छी कैप्चर की है यहाँ पे, और सेम चीज़ आपको वाइड एंगल में देखने को मिलती है, बट ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा X2 अगेन वाइड है थोड़ा सा था, बट ओवरऑल जो कलर और पिक देखने में अच्छी लगती है, मुझे अभी तक OnePlus की अच्छी लगी। एक काम करो यार, एक आप बता दो मुझे कि आपको क्या पसंद आ रहा है अभी तक। मैं पर्सनली OnePlus की तरफ ज़्यादा हूँ, एक आध फोटो X2 की मुझे अच्छी लगी, बट आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों को क्या ओपिनियन है, मैं भी सुनना चाहता हूँ आप लोग क्या किसके साइड हो, Realme X2 के या OnePlus के। और अभी हम मैक्रो में जाएंगे तो ये मैंने कोई गलत फोटो नहीं डाला है, एक्चुअली ये मैं OnePlus से ट्राई कर रहा था, बट OnePlus में ऑफकोर्स मैक्रो लेंस नहीं है तो ऐसे कुछ इमेज आई, जबकि जो Realme है उसने इतने क्लोजअप शॉट ले लिए, जो OnePlus है वो इतने पीछे से ही ले पाया, बिल्कुल पास नहीं जा रहा था, पीछे पास गया तो आपने देखा ये पिछला शॉट। और ये कुछ एक दो शॉट और हैं जो मैक्रो मैंने Realme X2 से लिए। फाइनली अब चलते हैं हम पोर्ट्रेट मोड की तरफ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Realme बेसिकली आप ब्लर उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि OnePlus में आप कैमरा एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पिक में अगर आप देखेंगे OnePlus जूम कर रहा है थोड़ा, और Realme ने कह सकते हैं कि मैंने उसका पीछे से ब्लर काफ़ी जीरो ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, तो आप ब्लर एडजस्ट कर सकते हैं जबकि OnePlus में कैमरा एंगल कर सकते हैं। मुझे हमेशा OnePlus का पोर्ट्रेट मोड पसंद आता है, जस्ट उसका स्किन टोन और ओवरऑल जो एक अच्छा पूरा वो ब्लर करता है सब चीज़ों को मिला के, तो मैं OnePlus की तरफ जाऊंगा यहाँ पे। और ये OnePlus की फ्रंट फेसिंग कैमरे से वीडियो है तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसी क्वालिटी है और स्टेबिलिटी क्या है, और इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है, कंपेयर कर लीजिए बाकी। ये फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसी इसकी स्टेबिलिटी और क्वालिटी भी कैसी है, थोड़ा हाथ दूर रखना पड़ रहा है, बट ओवरऑल
की ऐसी क्वालिटी है और माइक से इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है। मोड है यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो चुका है यहाँ पे, और ट्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देख लीजिए कैसा चल रहा है, बाकी मेरे को अच्छी ना ट्रैक कर रहा है या मैं हिला रहा हूँ कैमरा कुछ भी ट्रैक कर रहा है, क्वालिटी और स्टेबिलिटी का भी आपको पता चल जाएगा। 1080p 60fps बैक कैमरा से OnePlus 7 Pro के, और स्टेबिलिटी और आवाज़ जो है माइक से आ रही है, और क्वालिटी का आपको पता चल जाएगा। 1080p 60fps Realme X2 से आपको क्वालिटी और स्टेबिलिटी दोनों का पता चल जाएगा कि कैसी है यहाँ पे। और ये है 4K 60fps, तो आपको ये भी पता चल जाएगा इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, ओवरऑल इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है। 4K 30fps की इसमें 60fps नहीं है, तो आपको क्वालिटी स्टेबिलिटी का बदल जाएगा, इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है। अरे वाइड एंगल कैमरा है तो काफ़ी ज़्यादा कुछ कवर होगा, ये आपको स्टेबिलिटी माइक की क्वालिटी और ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी मतलब वीडियो की क्वालिटी का बदल जाएगा। ये है अल्ट्रा वाइड कैमरा रियलमी X2 का, और आपको स्टेबिलिटी क्वालिटी का भी पता चल जाएगा, अगेन आवाज़ जो है इंटरनल माइक से आ रही है। ये है सुपर स्टेबल मोड, मैं रन करके देखता हूँ, रन करने पर भी ऐसा ही आ रहा है कुछ, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी क्वालिटी और स्टेबिलिटी कैसी है। आइडिया रियलमी X2 का, और अब मैं रन करके देखता हूँ तो आपको पता चल जाएगा स्टेबिलिटी कैसी है और इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है। अगर आपको ये कंटेंट अभी तक पसंद आ रहा है तो थोड़ा सब्सक्राइब करने का कष्ट कर दीजिए, नीचे ही रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जाकर दबा दीजिए, और उसके सामने जो बेल और घंटे का आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसा और कंटेंट बना के आप तक लाने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, और अब चलते हैं वीडियो में आगे। अभी हम 64 megapixel की तरफ चलते हैं, और ये देखने में देखो डे लाइट में तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, यहाँ मैं डिफरेंस भी नहीं निकाल पा रहा, थोड़ा वन प्लस अगेन कम ग्रीन है या मतलब नेचुरल ग्रीन है, बट अगर हम 10 times जूम करेंगे डेफिनेटली हमें दिखेगा कि OnePlus 14 मेगापिक्सल की वजह से पीछे रह जा रहा है, जबकि Realme की इमेज काफी शार्प है। सेम केस यहां पर है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं, थोड़ा सा कलर डिफरेंस है जो कि नॉर्मल हम देखते आए हैं, बट 10 times जूम करेंगे तो आप देखते हैं गाड़ी काफी ज्यादा शार्प है यहां पे कंपेयर टू OnePlus, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लर्ड आउट हो गई है यहाँ पे। और अगर स्लो मोशन की बात करें तो यहाँ पे ये Realme का 960fps है, जो कि थोड़ा सा ऐसे फेक सा लगता है, तो मैं इतना नहीं उसकी तरफ जाना चाहूँगा, जबकि अगर हम OnePlus के स्लो मोशन में चलेंगे वो आपको 480fps पे दिखता है, और ओवरऑल क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और देखिए आपके सामने ही रिजल्ट है। तो Realme ठीक ही है, बट यहाँ पर भी ओवरऑल OnePlus अच्छा है। और अगर हम सेल्फी की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ मैं OnePlus हैंड्स डाउन OnePlus की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट मोड में भी OnePlus ने पीछे का बैकग्राउंड और ओवरऑल मेरी शक्ल अगर आप देखेंगे वैसे तो बहुत अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे ज़्यादा ही वाइड कर दी है Realme ने। और सेम केस अगर मैं इस सेल्फी में भी देखूँ और उसके पोर्ट्रेट मोड में देखूँ, OnePlus ने काफ़ी नेचुरल रखा ओवरऑल पिक, बट पता नहीं क्यों Realme ने ज़्यादा वाइड कर दिया, तो डेफिनेटली सेल्फी के लिए तो मैं Realme को नहीं चूज़ करूँगा, OnePlus को ही चूज़ करूँगा। फ्रंट फेसिंग कैमरा OnePlus 7 Pro का आपको स्टेबिलिटी और क्वालिटी का बदल देगा, वाज जो इंटरनल माइक से आ रही। तो ये फ्रंट फेसिंग कैमरा है Realme X2 का, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आई डोंट नो कि ये फाइनल प्रोडक्ट कैसा आएगा, बट स्टेबिलिटी और क्वालिटी और माइक का आपको बदल जाएगा, इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही। तो ये फ्रंट फेसिंग कैमरा का बोके मोड, तो पीछे सब कुछ ब्लर हो रहा होगा आई थिंक, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे सारा कुछ ब्लर है। ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बाकी देखते हैं कब तक ये पकड़ के रखता है। ये रही इसकी फ्रंट फेसिंग कैमरा के टेस्ट, तो स्टेबिलिटी और माइक आपको पता चल जाए। ओके, ये है 1080p 60fps लो लाइट कंडीशन में OnePlus 7 Pro से, तो आपको माइक का और स्टेबिलिटी दोनों का पता चल जाएगा इस केस में, और देख लीजिए। ये है 1080p 60fps बैक कैमरा Realme X2, आपको स्टेबिलिटी और क्वालिटी का पता चल जाएगा इससे, माइक इंटरनल से आवाज़ आ रही है। और यह है 4K 60fps लो लाइटिंग कंडीशन में, और आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसी क्वालिटी है और ओवरऑल माइक से आवाज़ आ रही है और स्टेबिलिटी का भी। 4K 60fps सॉरी 30fps, 60 तो है ही नहीं इसमें फॉर सम रीज़न, और आपको थोड़ा स्टेबिलिटी और क्वालिटी का बदल जाएगा। ओके, तो ये है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, अगेन आप बीच में ही स्विच कर सकते हैं, बट मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इससे आपको स्टेबिलिटी का बदल जाएगा और आपको इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है और ओवरऑल क्वालिटी बदल जाएगी।
ये वाइड एंगल या अल्ट्रा वाइड शॉट है तो आपको स्टेबिलिटी, क्वालिटी और माइक का पता चल जाएगा रियलमी एक्स टू का। ये है अल्ट्रा स्टडी मोड, तो ज़्यादा शेक्स नहीं होने चाहिए। लो लाइटिंग में आपको इसका परफॉर्मेंस पता चल जाएगा, अगेन माइक से आवाज़ आ रही है इंटरनल, वो भी आपको दिख जाएगा। ये रियलमी एक्स टू का सुपर स्टडी मोड, तो आपको पता चल जाएगा स्टेबिलिटी कैसी है। रियलमी एक्स टू प्रो की काफ़ी अच्छी थी, उसकी भी अच्छी होनी चाहिए, बाकी स्टेबिलिटी के साथ साथ क्वालिटी और माइक का भी बदल जाएगा। और फाइनली हमारे यहाँ नाइट टाइम की तरफ, और मैं स्पॉइलर दे दूँ बस कि रियलमी एक्स टू उतना अच्छा नहीं आप कर पाया वन प्लस के सामने। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि ओवरऑल वन प्लस की इमेज यहाँ काफ़ी अच्छी आई है, और इस केस में भी अगेन सारा वन प्लस अच्छी इवनली लिट किया, जबकि रियलमी एक्स टू जस्ट कुछ कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है। और ये वाइड एंगल था, हालांकि दोनों ही बेकार है, बट अगर आपको खुद देख लो, खुद चूज़ करना हुआ तो आप एक्स टू को क्यों चूज़ करोगे, वन प्लस चूज़ करोगे। सेम केस यहाँ फिर भी काफ़ी मैचिंग था, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा लाइट थी, बट कंपेयर टू वन प्लस अगेन रियल मी थोड़ा पीछे रह रहा है। और ये वाइड एंगल में अगेन यहाँ मैं कहूँगा कि दोनों सिमिलर परफॉर्मेंस में है। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ सिमिलर परफॉर्मेंस है, मगर अगर आप आसमान में देखेंगे तो आपको नॉइज़ दिखेगी रियलमी के फ़ोटोज़ में, तो वन प्लस में उतनी नहीं है, है तो उसमें भी बट उतनी नहीं है। सेम केस अगर आप नाइट टाइम में देखेंगे, मतलब वाइड एंगल में देखेंगे, तो वाइड एंगल में डेफिनेटली वन प्लस अच्छा है थोड़ा, क्योंकि रियलमी ज़्यादा डार्क है और नाइट मोड का मतलब ये इतना डार्क नहीं करना। यहाँ अगेन सेम चीज़ है कि ज़्यादा ही डार्क इमेज है, वन प्लस ने एटलीस्ट थोड़ी अच्छी तरह लाइट की इमेज को, मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छी लग रही है। आप अगर कुछ मतलब आपके ओपिनियन कुछ हो रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, बट मुझे जो पर्सनली लगा कि रियलमी इतना अच्छा नहीं है नाइट मोड में, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जबकि वन प्लस ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और अगर सेल्फी देखेंगे, ये थोड़ी आर्टिफिशियल लाइटिंग में थी, और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि यहाँ पे दोनों ही बेकार हैं, बट अगर मुझे चूज़ करना हो तो मैं थोड़ा बहुत वन प्लस की तरफ जाऊँगा। और यहाँ इस केस में अगेन दोनों ही बेकार हैं, ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट है चूज़ करने में, दोनों ही मतलब यूज़ेबल नहीं है। आप बताओ, आप मेरे लिए कमेंट कर लो नीचे एक बार ही जाके कि आपको क्या पसंद आया सेल्फी में लो लाइट में, वन प्लस या फिर रियलमी, और मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि आपकी भी क्या चॉइस है यहाँ पे। और फाइनली अगर हम चलेंगे 64 मेगापिक्सल में, तो वैसे देखने में डेफिनेटली जो रियलमी की इमेज है काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ी ज़्यादा ब्राइट है वो, बट अगर हम जूम करेंगे तो पता नहीं क्यों, शायद हाँ पता नहीं, मुझे पता है कि 64 मेगापिक्सल उतनी लाइट नहीं ले सकता, तो ओवरऑल मुझे वन प्लस की इमेज यहाँ जूम करने पर थोड़ी ज़्यादा शार्प दिख रही है, जबकि रियलमी की इमेज में थोड़ा ज़्यादा नॉइज आ रहा है। और यहीं पे हम अपना कैमरा कंपैरिजन ख़त्म करते हैं। आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा और आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर कुछ काउंटर करना है आपने, कुछ आर्ग्यूमेंट करनी है तो नीचे करो, बट थोड़ा डिसेंट ट्रैक के करो, थोड़ा अच्छी तरह करो, मैं भी जवाब दूंगा अच्छी तरह से। अगर आप अच्छी तरह से जवाब दोगे नीचे कमेंट करोगे तो बताओ, अगर आपको कुछ अलग है यहाँ पे तो मैं उसके आगे करूँगा। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, और आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि दोनों में से कौन सा बेटर है। हालांकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, बट फिर भी मज़े के लिए मैंने कर दिया। तो बस यही था इस कंपैरिजन में। आई होप आपको बता देगा कि रियलमी एक्स टू और वन प्लस 7 प्रो आपस में कैसे रहेंगे। हालांकि क्लियर विनर था वहां पे, बट फिर भी मैं कहना चाहूंगा रियलमी एक्स टू काफी ज्यादा पास आया वन प्लस 7 प्रो के। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने किसी फ्रेंड और फैमिली के साथ जो भी देखना चाहते हैं रियलमी एक्स टू के बारे में सोच रहे हैं लेने का। और फाइनली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसा ऑसम कंटेंट मिलता रहे और वेल मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आप तक ये वीडियोज लेके आने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।